नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और जो बातें मैंने पिछले दोनों वीडियो में कहा था वो हो गया है। दोस्तों क्या बातें कहा था ये शायद आप लोगों को अभी याद नहीं है। तो दोस्तों मैंने कहा था कि गवर्नमेंट के तरफ से हमारी इंडिया की जितने सारे टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको कहा गया था कि जितने दिन तक लॉकडाउन कंटिन्यू होगा उतने दिन तक आप लोगों को, मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर को, हर एक सब्सक्राइबरों को देना होगा वैलिडिटी। और आप और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन एक्सटेंडेड किए थे जो के हैं 3 मई तक। अब दोस्तों यहां पर हर एक कंपनी, मतलब रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, तीनों कंपनी के तरफ से ये ऑफिशियली बयान आ गया है कि जो सब्सक्राइबर है उनके वैलिडिटी 3 तारीख तक एक्सटेंडेड हो जाएंगे। इसके अलावा भी ये सारे कंपनी ऑलरेडी 17 तारीख तक वैलिडिटी दिया ही हुआ था, जबकि ये आज 17 तारीख है तो ये वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही इन कंपनी के तरफ से ये बताया गया है कि जो भी सब्सक्राइबर है उनका वैलिडिटी 3 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि पिछले दिनों जब वैलिडिटी, मतलब लॉकडाउन फेज 1 के समय में जो वैलिडिटी एक्सटेंड किया गया था उनके साथ 10 रुपए का रिचार्ज भी किया गया था, यानी कि 10 रुपए का टॉक टाइम भी बोनस के तहत दिया गया था, लेकिन इस टाइम में ऐसा 10 रुपए वाला कोई भी कुछ नहीं है। सिर्फ इतना है कि हर एक नंबर पर 3 तारीख तक इनकमिंग कॉलिंग का फैसिलिटी होगा, जो भी कोई चाहे तो रिसीव कर सकते हैं, ऐसे ही यहां पर कंपनियों के तरफ से कहा गया है। दोस्तों ये बातें कहने के पीछे जो कारण बताया गया है, दोस्तों हमारे देश की होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक सर्कुलर जो के इन सारी कंपनियों को दिया गया था वाया TRAI, तो उसी के नियम का पालन करते हुए कंपनियों के तरफ से ये बातें निकल कर आए हैं। तो दोस्तों 3 तारीख तक आपके और हमारी सभी के नंबर खुले रहेंगे, जिसके पास रिचार्ज की वैलिडिटी है उनके लिए तो कोई बात नहीं, जिनके पास नहीं था उनके लिए भी 3 तारीख तक इनकमिंग कॉल की सुविधा कर दिया गया है। हालांकि इसके अलावा यहां पर कहा गया है कि 20 तारीख के बाद से कुछ कुछ जगह पर उन लोगों के, मतलब कंपनियों के आउटलेट खुल जाएंगे, ताकि जो अगर कोई चाहे रिचार्ज करना वो भी जाकर वहां से रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भी हर एक कंपनी कुछ ना कुछ नए या फिर इनोवेटिव तरीके से रिचार्ज करने की कोशिश कर ही रहा है, जैसे कि एटीएम पर जाकर आप रिचार्ज कर सकते हो। इसके अलावा जियो ने भी एक एप्स लॉन्च कर दिए हैं जिसके तहत आप रिचार्ज कर सकते हो और कुछ पैसे भी कमा सकते हो। तो दोस्तों यही था छोटा सा एक अपडेट, उम्मीद करता हूँ यह अपडेट आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हमारे इस वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।